क्या हुआ जी, बोनस मिला क्या? बोनस तो नहीं मिला, लेकिन सैलरी मिल गई। बोनस नहीं मिला? कितनी मिली सैलरी? वही जो हमेशा मिलती, तो 4,000 रुपए। 4,000 रुपए ही मिले? 4,000 रुपए में कैसे ईद बनाएंगे बोलो आप? अम्मी अबू के कपड़े लेंगे या बच्चों के कपड़े बनाएंगे? ईद का सौदा कैसे खरीदेंगे या फिर अपने खुद के कपड़े कैसे बनाएंगे बोलो आप? ये 4,000 रुपए में 1,000 रुपए में पापा का नैरो शर्ट आ जाता और शूज भी आ जाता। फिर 1,000 रुपए में मम्मी के यहाँ से साड़ी ले लेंगे अपन। 2,000 रुपए बचते। 2,000 में से 1,000 रुपए अपने बच्चों के यहाँ से कपड़े ला लेंगे। फिर 1,000 रुपए बचे तो ईद का सौदा ला लेंगे। ये बात तो सही है, लेकिन अपन कपड़े नहीं पहनेंगे। अपने अम्मी अब्बू और अपने बच्चे कपड़े पहन रहे ना यार, उनको देख के अपनी खुशी में अपनी खुशी है। अल्लाह दिया तो नेक्स्ट ईयर अच्छे कपड़े पहनेंगे अपन। हाँ, आपकी बात सही है। अस्सलामुअलैकुम इलियास, क्या हुआ इलियास, जॉब मिली क्या आपको? नहीं मिली यारो जॉब, अगर मिल जाती तो रमजान के ईद के कपड़ों का इंतजाम हो जाता था। इस बार भी तुम अपनी माँ के घर से कपड़े ला लो ना यार। इलियास, शादी के बाद से ये हमारी 5वीं ईद है और हर मर्तबा मैं अपने ईद के कपड़े अपने माँ के घर से ही ला रही हूँ। तो क्या हुआ यारो, इस बार भी ला लो ना। लेकिन आपको तो मालूम है ना, अब्बा का रिटायरमेंट होने के बाद अम्मी की तबीयत भी खराब रह रही है, उनका घर ही बड़ी मुश्किल से चल रहा। अरे तुम्हारा भाई बहुत रईस आदमी है यारो, उससे तो भी थोड़े पैसे मांग लो। मेरा भाई यकीनन पैसों से रईस है, लेकिन दिल से बहुत गरीब है और वो जोरू का गुलाम है। उसमें जरी सी शर्म नहीं है। आज वो मेरे अम्मी अबू को इस हाल में छोड़ के अपनी बीवी के साथ रह रहा है। उस बेहुदे इंसान के आगे हाथ फैलाने से अच्छा मैं भूखी मर जाऊं। ये बात तो सही है, जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो किसी का क्या होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि ईद नए कपड़ों में ही बनाया जाए, पुराने कपड़ों में भी ईद बना सकते हैं। मेरे मासूम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोजे चल रहे और पूरे नमाजों की तिलावत हो रही, वो कितने खुश है कि ईद को नए कपड़े मिलने वाले बोल के। मेरा दिल गवारा नहीं करता उनको पुराने कपड़े पहनाना। जान दो अपन एक काम करेंगे, मेरा फोन भेज दे के वो पैसों से उनको नए कपड़े ला लेंगे। जब नया काम मिला ना, जब एक फोन खरीद ले तो मैं। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप अपने छोटे भाई से पैसे मांग लो ना।
छोटे भाई से पैसे मांगने गया तो वो उसकी बीवी के सामने मेरे को जलील कर देता, मेरे को कामचोर बोल के बोलता। उसे पैसे मांगने थे अच्छा है, पुराने कपड़े पहन के ईद मना लेंगे अपन। वालेकुम सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। और इलियास भाई कहाँ हैं, दिख रहे नहीं? थोड़ा काम से फिर रहा हूँ भाई, थोड़ा ऐसा। और भैया क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये रखो भाई। क्या है भाई ये? अरे ये रखो इलियास भाई। क्या है बोलो? ये रखो, वालदा भी जाए। अब रखो भाई, हाथ को तो ले लेते। ये रखो आपके पास, आपका छोटा भाई समझ के रखो, दुआ में याद रखो, रमजान का महीना है। अरे भाई शुक्रिया, मिलता हूँ। देखे दोस्तों, रमजान का महीना है, मुझ जैसे कोई और भी लोग रमज़ान में परेशान रहते। आप लोग, मुझे पता है आप लोग रमज़ान में सबकी मदद करते, लेकिन अपने आजुक बाजुक पड़ोसियों को भी देखो भाई, उनके घर में क्या है। ये मैं नहीं लिखा भाई कॉन्सेप्ट, ये मेरे चाहने वाले दोस्त कई जने ये मैसेज सेंड करे भाई। ये मैसेज है, इसकी वीडियो बनाओ आप। तो इसकी मैं वीडियो बनाया भाई, रमज़ान का महीना है बल्कि। प्लीज़ मेरे भाई, अच्छी दिखी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो, और इस वीडियो पे थोड़ा गौर करो भाई। चलो अल्लाह हाफिज़।